नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वैजायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सबे पाव पनासनो मंगलानं चे सबे सिंह पढ़ मंगवाई मंगलम मंगलानं चे सबे सिंह पढ़ मंगवाई अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्य सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठी का मुनिवरा रत्न त्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ने पाया राजा वजीर बन करे, ने पाया तुझको फकीर बन कर, ने पाया राजा वजीर बन करे, ने पाया तुझको फकीर बन कर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए। न तुझको पाया किसी ने बल से, ना तुझको पाया किसी ने छल से। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी
की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, वही सुमारग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों के हो तुम सहारे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। निराश्रितों के हो तुम सहारे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। त्रिशलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, त्रिशलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाए मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ
सुन रहे हैं भगवान महावीर की अमर और कल्याणकारी स्तुति को, जिसमें वर्णन चल रहा है पांचवी गाथा का। से सब दंसी अभिभूए नाणी नीराम गंधे धीमंठी अप्पा अणुतरे सब जगंसी विजंग गंथा अतीते अभय अणाऊ। वे भगवान महावीर स्वामी सर्वदर्शी सम्यक रूप से देखने वाले थे। बंधुओं, सब कुछ देखना ही काफी नहीं होता, देख तो आप भी रहे हैं। जहां जहां तक दृष्टि जाती है वहां वहां तक देख रहे हैं आप, देख रहे हैं उस छोर तक जहां सूर्य और चंद्रमा भी हमें अपनी इन आंखों से दिखाई देता है। लेकिन जो हमें दिखाई देता है क्या वो सत्य है? क्या सूर्य ऐसा ही है जैसा आपको दिखाई दे रहा है? क्या चंद्रमा ऐसा ही है जैसा आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये संसार ऐसा ही है जिसे हम देख पा रहे हैं? नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी इन छद्मस्त चरम चक्षुओं से ही देख सकते हैं कि संसार कैसा है, सूर्य कैसा है, चंद्र कैसा है। लेकिन हम यदि ज्ञान में देखें, उस ज्ञान में जिस ज्ञान में भगवान महावीर ने देखा, तब हमें सत्यता का बोध होगा, तब हम जानेंगे अरे जो हम सोच रहे थे वो तो ऐसा है ही नहीं, जो हम देख रहे थे वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो बहुत बहुत अलग है। और जो अलग है वो भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में जानकर, अपने दर्शन में देखकर हम सबको बताया। सम्यक दर्शन अर्थात जो अनेक दृष्टिकोणों के द्वारा एक दृष्टि से देखे। थोड़ा समझने का प्रयास करना, दृष्टिकोण तो अलग अलग हो लेकिन दृष्टि एक हो, नजरिया अलग अलग हो लेकिन दृष्टि एक हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक दृष्टि होना, एक दृष्टि यानी एक आंख बंद करके एक आंख से देखना, वो एक दृष्टि की बात नहीं चल रही। एक दृष्टि की बात चल रही है संभाव पूर्वक, जात पात का भाव छोड़कर, तेर मेर का भाव छोड़कर, अपने और परायेपन का भाव छोड़कर कि ये मेरा है ये अपना है। क्या होता है जहां एक दृष्टि नहीं होती, वहां पर जिससे हमारा लगाव होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमें पसंद आता है, उसकी बुराइयां भी हमें दिखाई नहीं देती, बड़ी से बड़ी गलती भी हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जिसके प्रति हमारा द्वेष होता है, जिसके प्रति हमारे मन में नफरत होती है, जहां ईर्ष्या का भाव होता है, वहां गलती नहीं भी होगी ना तो भी दिखाई देगी, उसकी अच्छाइयां हमें दिखाई नहीं देगी। ये होती है अनेक दृष्टि। भगवान महावीर की एक दृष्टि थी यानी संभाव की दृष्टि, क्योंकि ना उनका किसी से राग था ना उनका किसी से द्वेष था। आज इंसान के मन में क्या है, यदि वही गलत काम अपना बेटा कर रहा है तो गलती हो जाती है, बच्चे हैं कोई बात नहीं, यदि वही काम पड़ोसी का बेटा कर रहा है, पड़ोसी की लड़की कर रही है, पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, तो क्या तुम इस बच्चे को इतना भी नहीं सिखा सकते? इतने बड़े बच्चे हो रहे हैं उनको इतना भी नहीं पता? उस समय हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी विचारधाराएं, हमारी परंपराएं बदल जाती है। लेकिन भगवान महावीर ने जो उपदेश गौतम स्वामी जी को दिए, वही उपदेश गोशालक को भी दिया। जो उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिए, वही उपदेश अर्जुन माली चंडकोशिक को भी दिया।
उन्होंने जो उपदेश समस्त संसार को दिया वही उपदेश उन्होंने अपने शत्रुओं को भी दिया। उनकी दृष्टि ऐसी नहीं थी। ये दृष्टि का दोष हमारे अंदर हो सकता है बंधुओं, भगवान के अंदर नहीं, क्योंकि भगवान अनेकांतवादी थे। भगवान का जो सिद्धांत था अनेकांतवाद सिद्धांत था। उनकी दृष्टि गुण ग्राहक दृष्टि थी। वो दूसरों के गुणों को देखते थे, उनकी अच्छाइयों को देखते थे। प्रभु ने कहा यदि किसी से रिश्ता तोड़ना है तो एक बार यह सोच लो यदि उसके अंदर कुछ बुराई है तो अनेकांत दृष्टि से सोचो कुछ तो अच्छाई भी होगी। एक इंसान बुरा ही बुरा हो ऐसा भी नहीं हो सकता, और हर इंसान अच्छा ही अच्छा हो ऐसा भी नहीं हो सकता। यदि किसी रिश्ते को बचाना है बंधुओं तो वहां भगवान महावीर के सिद्धांत को लेकर आना पड़ेगा। वहां आपको अनेक दृष्टिकोणों से एक दृष्टि से देखना होगा। घर में लड़ाई है, घर में झगड़ा है, घर में सास बहू की अनबन है, पति पत्नी की अनबन चल रही है, भाई भाई की अनबन चल रही है, मन मुटाव चल रहा है। क्यों? वहां पर एकांतवादी दृष्टिकोण है। जो मैं कहता हूं वही सही है, जो मैंने देखा वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। जहां ये बात आएगी वहां पर मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, रहेंगे रहेंगे। लेकिन भगवान महावीर का यदि अनेकांतवाद वहां पर आ गया, जो तू कहता है वो भी ठीक है, हाँ जी, और जो मैं कहता हूं वो भी ठीक है, अब होगी लड़ाई कुछ अंशों में। जो वो कह रहा है वो भी ठीक है, कुछ अंशों में जो मैं कह रहा हूं वो भी ठीक हो सकता है, यदि उस बात पर सोच विचार किया जाए कि उस सामने वाले ने जो ये बात रखी है क्यों रखी। यदि उस बात पर विचार किया जाए तो 10%, 20%, 30% बात तो उसकी भी ठीक ही मिलेगी, और वही लड़ाई झगड़ा खत्म। लेकिन जहां सिर्फ जो मैंने कहा वही ठीक है ये बात आ गई, वहां लड़ाई नहीं भी होगी ना तो भी शुरू हो जाएगी, तो भी शुरू हो जाएगी। इसलिए भगवान महावीर का जो धर्म है अनेकांतवादी धर्म है, अनेकांतवाद को अपनाओ। यदि अनेकांतवाद को नहीं अपनाओगे बंधुओं, लड़ते रहोगे उन 5 अंधों सूरदासों की तरह। कौन थे वो 5? एक मेला लगा हुआ था, उस मेले में एक बहुत बड़ा हाथी आया। वहां पर 5 मित्र थे जो सूरदास थे, जिन्हें दिखाई नहीं देता था, जन्मांध अंधे थे, और इस तरह वो 5 मित्र उस मेले में गए। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, शोर सुनकर सभी बच्चे हाथी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन सूरदास मित्रों ने भी सोचा देख तो सकते नहीं, अनुभव तो कर ही सकते हैं हाथी होता कैसा है। कोई कहता हाथी इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है, ये होता है, वो होता है, चलो आज देखते हैं हम भी हाथी कैसा होता है। लेकिन कैसे पता लगेगा? उस हाथी को छूकर अनुमान लगाया जा सकता है हाथी कैसा हो। वो 5 के 5 गए उस हाथी के पास। एक व्यक्ति ने हाथी की बड़ी बड़ी टांगे थी उसको पकड़ लिया। कहता अच्छा, पता चला हाथी तो खंभे की तरह, स्तंभ की तरह होता है, लंबा लंबा। अब दूसरा जो सूरदास था उसने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। अब जिसने पूंछ को पकड़ा वो क्या सोचने लगा, अच्छा हाथी तो रस्सी की तरह बड़ा मजबूत और गोल गोल होता है, रस्सी की तरह बड़ा कड़ा सख्त होता है। अच्छा, अब किसी सूरदास ने उसका जो हाथी का पेट पकड़ लिया, उस पर हाथ घुमाने लगा। अब उसको स्तंभ जैसा एहसास होगा, उसको रस्सी जैसा एहसास होगा, नहीं होगा। अब वो क्या सोचने लगा,
हाथी तो ड्रम की तरह बहुत बड़ा होता है, ड्रम की तरह गोल गोल होता है, बहुत भारी होता होगा ये तो। बंधुओं, अब किसी ने हाथी के कान पकड़ लिए। अब वो कान पकड़ कर कहने लगा, हाथी तो सूप छाज की तरह होता है, सूप की तरह होता है। बंधुओं, कोई सूंड, जिसने सूंड पकड़ा वो अपनी कल्पना कर रहा है। सभी ने देख लिया हाथी को, हाथ लगा लगा कर अनुभव किया हाथी को। सभी ने अपनी एक मनोधारणा बना ली, विचार धारणा बना ली और अपने मन में एक बात सेट कर ली, हाथी ऐसा होता है। पांचों मित्र वापिस लौट रहे थे, कहते भाई आज तो हाथी देखा, अनुभव किया हाथी, हाथी तो ड्रम की तरह होता है। दूसरा कहने लगा, पागल हो गया क्या, ड्रम की तरह नहीं होता। अब जिस उसकी लात पकड़ी थी, टांगे पकड़ी थी, वो कहने लगा हाथी तो खंबे की तरह बड़ा मजबूत होता है। नहीं नहीं तू पागल हो गया, हाथी खंबे की तरह कहाँ होता है, मैंने भी उसको छू कर देखा था, वो तो रस्सी की तरह होता है, मोटी मोटी रस्सी की तरह होता है। चौथा कहने लगा, तुम सारे पागल हो गए, हाथी तो छाज सूप की तरह होता है। अब वो सारे के सारे जिसने सूंड पकड़ी थी वो कहने लगा, तुम तो सभी पागल हो, उसने अपना अनुभव बताया कि हाथी ऐसा होता है। पांचों के पांचों लड़ने लगे, वो कहने लगा तू मूर्ख है, वो कहने लगा तू मूर्ख है। सभी आपस में लड़ाई कर रहे थे क्योंकि सभी ने हाथी को अपने अपने नजरिए से देखा था। एक सज्जन व्यक्ति जा रहा था, उन पांचों को लड़ता हुआ देखकर कहने लगे, अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो। कहने लगा, जी देखना आपको तो दिखाई देता है ना। कहते हाँ मुझे दिखाई देता है, फिर आप बताओ हाथी कैसा होता है। ये कह रहा है ड्रम की तरह है, वो कह रहा है स्तंभ की तरह है, वो कह रहा है रस्सी की तरह है, आप बताओ ना हाथी कैसा होता है। उस सज्जन व्यक्ति ने सभी की बात को सुना और कहने लगा, भाई मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है। और उसने कल्पना की, देखो जो तुम स्तंभ की तरह कह रहे हो वो उसके चार पांव है, जो तुम ड्रम की तरह कह रहे हो वो उसका पेट है, जो तुम रस्सी की तरह कह रहे हो वो उसकी पूंछ है, और जो तुम सूप छाज की तरह कह रहे हो वो उसका उसके कान है, बड़े बड़े कान हैं, और जिसे तुम सूंड वो उसकी सूंड है जिसे तुम कुछ और समझ बैठे। और इस तरह एक हाथी को इन पांच तरीके से मिलाने से तब एक हाथी तैयार होता है। अच्छा तो ये माजरा है। कहने लगे, अगर तुम अलग 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 पकड़े बैठे रहोगे तो हाथी तैयार नहीं होगा। हाथी कब तैयार होगा, जब पांचों को मिला दोगे तब एक हाथी तैयार होगा। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। एकांतवादी लड़ रहे थे, नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैंने हाथी को इस रूप में देखा है। लेकिन व्यक्ति आया और उसने क्या किया, उस एकांत को अनेकांत में बदल दिया। जब पांचों चीज को मिला दिया तब एक वस्तु तैयार हुई और उनका झगड़ा भी समाप्त हो गया। हमारा नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। हम क्या सोचते हैं, जो हमने देखा वही सत्य है, जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, जो हम सुन रहे हैं वही सत्य है, या जो हम सोच रहे हैं वही सत्य है। नहीं बंधुओं, सत्य वो नहीं होता, सत्य हो सकता है लेकिन जो दूसरा कह रहा है उसमें भी कुछ अंश मात्र सत्य हो सकता है। भगवान ने कहा, यदि घर के कला कलेश खत्म करने हो अनेकांतवादी बन जाओ। सारा झगड़ा ही खत्म है, कैसे अनेकांतवादी बनो, सत्य को जानने वाले, अनेक दृष्टिकोणों को एक दृष्टि से देखो, एक दृष्टि यानी संभाव की दृष्टि से सभी के विचारों को सुनो, सभी के भावों को इकट्ठा करो, सभी लोगों के मंतव्य को इकट्ठा करो, तब जाके एक प्रस्ताव पारित करो। विधानसभा में जब कोई भी बिल पास होता है
हाँ जी, आप तो देखते ही हो प्रतिदिन, जब कोई भी बिल विधानसभा में पास होता है, संसद में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, तो आसानी से हो जाता है क्या? एक सरकार उस बिल को लेकर आती है, दूसरा उस बिल पर ऑब्जेक्शन उठाता है, तीसरा व्यक्ति उस बिल की कमियां निकालता है, चौथा व्यक्ति उस बिल की अच्छाइयां बताता है, पांचवा व्यक्ति फिर अच्छाई और बुराई को मिलाकर उस बिल पर सही निर्णय लेता है। कुछ दिन झगड़े चलते रहते हैं, एक व्यक्ति क्या कहता है, एक पक्ष क्या कहता है, ये बिल बिल सरासर गलत है, और एक पक्ष कहता है ये बिल सरासर ठीक है, तीसरा पक्ष कहता है ये बिल ना ठीक है ना गलत है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, चौथा पक्ष कहता है इसको प्रस्ताव करने की जरूरत ही क्या है, ये तो हानिकारक हो जाएगा, ये तो जनता के हित में नहीं है, ये अहितकारी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तरह तरह की बातें चलती रहती है। एक दिन बीत जाता है, दो दिन बीत जाते हैं, तीन दिन बीत जाते हैं, कई बार तो किसी न किसी बिल को पास करने में महीनों बीत जाते हैं, आखिर में वो बिल कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कभी बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, एकांत में बैठकर मीटिंग होती है, फिर उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं, उसकी बुराइयाँ देखते हैं, सभी को जोड़ते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने इसके पक्ष में ऐसा क्यों कहा, जब सभी बातों को जोड़कर अगर उसमें अच्छाई ज़्यादा है तब उसे पास किया जाता है, तब उस प्रस्ताव को आगे पास कर दिया जाता है, लेकिन यदि उसमें बुराइयां ज्यादा हैं, यदि वो नुकसानदायक ज्यादा हैं, तो उस बिल को वापिस ले लिया जाता है। बंधुओं, यह है अनेकांत दृष्टि। संसार में अक्सर ऐसा होता चला जाता है, जरूरी नहीं जो हमने प्रस्ताव पारित किया है वो सही ही हो, उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। अब यदि आज हम मोबाइल को ये कहना शुरू कर दें, जब ये दुनिया में आया होगा सभी ने इसकी अच्छाइयाँ देखी होंगे, ये बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है, बहुत ही ये आजकल के लोगों के लिए सुविधाजनक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आगे बढ़ा, जब बच्चों ने आधुनिकता में कदम रखा, प्रवेश किया, और पहले एक फ़ोन होता था, पूरी गली में एक फ़ोन होता था, और आज हर घर में अनेक फ़ोन होने लग गए, अलग अलग बच्चों के पास फ़ोन होने लग गए, पहले एक व्यक्ति बात करता था, घर के सारे सदस्यों को पता रहता था कौन किससे कितनी देर तक बात कर रहा है, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज सभी बात करते हैं, बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आजकल तो चैट चल रही है, चैट में कौन कहाँ वो पाकिस्तान की लड़की बताओ कहाँ, यहाँ हिंदुस्तानी से प्यार कर बैठी बताओ, किसके द्वारा, इसी के द्वारा, बात तो करने की जरूरत ही नहीं है, चैट काफी है, किसी को पता ही नहीं चले ना लिखने का और ना बोलने का, यह है क्या हुआ, कभी जिसको हम अच्छा सोचते थे आज वो बुराइयों का राजा बन गया है, आज वो नई पीढ़ी को बिगाड़ने वाला बन गया है, आज वो समाज की दशा को बिगाड़ने वाला बन गया है। इसलिए भगवान ने कहा किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को एक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, उसको अनेक दृष्टिकोण से देखो। श्री कृष्ण महाराज का बड़ा सुंदर वर्णन आता है इस विषय में। एक बार देव सभा लगी हुई थी तो इंद्र महाराज ने वासुदेव श्री कृष्ण की देव सभा में प्रशंसा की, कहने लगे भाई इस पृथ्वी पर यदि कोई गुण ग्राहक व्यक्ति है जो प्रत्येक चीज को एक दृष्टि से, संभाव की दृष्टि से देखता है, उसकी अच्छाइयां ग्रहण करता है, तो वो है वासुदेव श्री कृष्ण। प्रशंसा कर रहे थे। अब प्रशंसा सभी को अच्छी लगे तो कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपकी प्रशंसा किसी और के आगे करने लग जाऊं, सामने वाला मुंह मार कर कहेगा हूँ महाराज आपको क्या पता वो कैसा है,
आपको तो बस ऊपर ऊपर से दिखाई देता है वो कैसा है, जैसा वो अंदर से है ना, मैं जानता हूं उसके बारे में वो कैसा है। बंधुओं, ये सोच है, किसी की प्रशंसा किसी को अच्छी लगे जरूरी नहीं। देवताओं में भी ईर्ष्या का भाव होता है। वहीं एक देव बैठा हुआ था, देव ने भी मुंह मार के कहा, ये इंद्र महाराज कभी किसी की प्रशंसा लेकर बैठ जाते हैं, कभी किसी की। भला कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो सिर्फ गुण ही गुण ग्रहण करे, किसी की बुराई को देखे ही ना, उसकी बुराई को नजरअंदाज कर दे, ऐसा हो सकता है? कहने लगा, परीक्षा लूंगा तब निर्णय पर पहुंचूंगा। वो आया इस पृथ्वी लोक में और वो सोचने लगा, परीक्षा लू तो कैसे लू, क्या किया जाए जिससे श्री कृष्ण महाराज की परीक्षा हो जाए और वो परीक्षा में फेल हो जाए और मैं इंद्र महाराज से जाकर कहूं, देख लो कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता। उधर वासुदेव श्री कृष्ण की सवारी जा रही थी, जिस रास्ते से सवारी जा रही थी उस रास्ते में उस देव ने एक रूप बनाया, किसका, कुत्ते का। समझना आप इस बात को, उसने एक रूप बनाया कुत्ते का, और कुत्ता भी कैसा, सड़ा गला हुआ और ऐसे कोने में उस सड़क के, जिस सड़क से, जिस मार्ग से, जिस राह से वासुदेव श्री कृष्ण जा रहे थे उस मार्ग के कोने में पड़ा हुआ। उस कुत्ते के ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी और ऐसे उस कुत्ते में से इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी कि उसके पास से निकलना भी मुश्किल हो रहा। इतना ही नहीं, उसका सड़ा गला हुआ शरीर जो बदबू मार रहा था और ऐसे उस कुत्ते के ऊपर जब मक्खियां भिन भिना रही थी, ऐसे उस कुत्ते का मुंह खुला हुआ था, क्योंकि कुत्तों का मुंह अक्सर खुला रहता है जब वो मृत प्राय पड़े होते हैं। जब वासुदेव श्री कृष्ण की सवारी निकल रही थी, अब सभी जितने भी लोग उनके साथ थे सभी ने बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है कहकर सभी ने अपना अपना कपड़ा नाक पर ढक दिया। किसी ने अपने घोड़े तेज कर लिए, किसी ने अपना हाथी तेज कर लिया, किसी ने अपना रथ तेज कर लिया और सैनिक जल्दी जल्दी चाल से उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। वासुदेव श्री कृष्ण भी अपने हाथी पर बैठ कर आए। जैसे ही वो वहां पर आए, बदबू तो उनको भी आई, और जब सभी ने देखा कि वासुदेव श्री कृष्ण उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उस कुत्ते को देखकर उन्होंने नाक पे कपड़ा नहीं रखा, उस कुत्ते को देखकर मुस्कुराने लगे, लोगों को बड़ी हैरानी हुई। मंत्री कहने लगा, वासुदेव क्या देख रहे हो उसको, कितनी बदबू आ रही है। कहने लगे, मंत्री तुमने उसकी बदबू तो देखी, तुमने ये नहीं देखा इस कुत्ते के जो दांत है कैसे मोती की तरह चमक रहे हैं, कितने सुंदर दांत हैं, कितने सफेद दांत हैं, पूरा शरीर सड़ा गला हुआ है, बदबू दे रहा है, लेकिन ऐसे शरीर में भी ये जो मोती की तरह चमकते हुए दांत है ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्या देखा? हां जी बहनों, क्या देखा? मैंने आपको कहा था कमियां हम ज्यादा देखते हैं, लेकिन अनेकांत दृष्टि से देखिए, अगर उसमें कमी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, 10% 20% 30% कुछ ना कुछ तो उसमें गुण होगा, लेकिन ये गुण ग्राहकता किसमें होगी, ये गुण लेने की कला किसमें होगी, जो अनेकांतवादी होगा, जो भगवान महावीर की आंखों से देखेगा, जो भगवान महावीर के दृष्टिकोण से देखेगा, जो भगवान महावीर के ज्ञान से देखेगा, वही इस गुण को ग्रहण कर सकता है। हमारी तरह एकांत दृष्टि वाले इस गुण को ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण ने ये बात कही, सभी को बड़ी हैरानी हुई। कहने लगा, कमाल हो गया, हमें तो इतनी बदबू आ रही है और वासुदेव श्री कृष्ण इसके दांत देखने में लगे हुए हैं।
सवारी आगे बढ़ गई। वो देव अपने मूल रूप में आया और वासुदेव के चरणों में गिर गया। धन्य हो आप, धन्य हो। कहने लगे, आप कौन है और ये आपने ऐसा रूप क्यों बनाया? कहने लगे, वासुदेव मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। स्वर्ग लोकों में स्वयं शक्रेंद्र महाराज ने आपकी यह कहकर प्रशंसा की थी कि एक इस पृथ्वी पर वासुदेव श्री कृष्ण ऐसे हैं जो गुण ग्राहक है, दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हैं, उनकी बुराइयों को छोड़कर उनके गुणों को ग्रहण करने वाले वासुदेव श्री कृष्ण इस दुनिया में अद्वितीय है। मुझे ये बात जची नहीं, भला एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? और यही सोचकर मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया और वास्तव में आप उस परीक्षा में सफल हुए। जहां सभी लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा रखा, सभी ने मेरी गंदगी देखी, सभी ने मेरी बदबू देखी, सभी ने मेरा शरीर देखा, लेकिन उन सभी लोगों में एक आप ऐसे व्यक्ति थे जिसने मेरे चमकते हुए दांत देखे। बंधुओं, यह है अनेकांत दृष्टि, यह है स्याद्वाद दृष्टि, यह है भगवान महावीर का दर्शन, जिसे समझना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। भगवान महावीर के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना मैं आपको बताती हूँ, और ये घटना उस समय की है जब भगवान महावीर ने दीक्षा भी नहीं ली थी। छोटे से थे, छोटी उम्र के थे, लगभग 5-6 वर्ष के। ये अनेकांतवाद का संदेश भगवान महावीर ने 5-6 वर्ष की उम्र में ही दे दिया था। एक बार उनके मित्र खेलने के लिए महलों में आए और वो वर्धमान को ढूंढ रहे थे कि चलो थोड़ी देर चलते हैं, वर्धमान के साथ खेलने के लिए जाएंगे। वो आए नीचे माता त्रिशला के पास, गए, कहने लगे, माता वर्धमान कहाँ है, हमें उसके साथ खेलने के लिए जाना है। माता कहने लगी, पता नहीं, यहाँ तो है नहीं, अभी कुछ देर पहले यहाँ से गया था मुझसे मिलकर, उसके बाद आया ही नहीं। वो कह रहा था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, शायद ऊपर होगा, ऊपर देख लो। अब 7 मंजिला भवन था, महल था, आलीशान महल था, और वो बच्चे खटाखट खटाखट सीढ़ियाँ चढ़ गए फटाफट। क्या देर लगनी थी बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ने में, चढ़ते चढ़ते सीधा 7वीं मंजिल में। ऊपर राजा श्रेणी बैठे हुए अपने मंत्रियों के साथ चर्चा विमर्श कर रहे थे, कोई जरूरी वार्ता चल रही थी, और बच्चे बार बार दरवाजे के पीछे से झाँक झाँक कर देख रहे थे कहीं वर्धमान दिखाई दे जाए और हम इशारा करके उसको बुला लें। जैसे ही झाँक झाँक कर देख रहे थे, राजा सिद्धार्थ ने देख लिया। कहने लगे, बच्चों क्या काम है? कहने लगे, महाराज हम वर्धमान को ढूंढ रहे हैं, वर्धमान ऊपर आए हैं क्या? कहने, ऊपर नहीं आया, वो नीचे होगा, नीचे देखो। बंधुओं, अब वो बच्चे फटाफट ऊपर से नीचे, सेकंड नहीं लगाई उन्होंने तो, नीचे आए सीधा माता त्रिशला के कमरे में। माता वर्धमान ऊपर नहीं है, बता दो ना वर्धमान कहाँ पर है। बच्चों मैंने कहा ना तुम्हारे से, वो मुझसे कहकर गया था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर ढूंढो। अब वो नादान बच्चे फिर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल चढ़ते चढ़ते फिर 7वीं मंजिल पर पहुंच गए, फिर झांक झांक कर देखने लगे कहीं वर्धमान इधर उधर बैठा हो। फिर राजा सिद्धार्थ ने टोका, बच्चों नहीं मिले क्या वर्धमान? कहने लगे, नहीं मिले। देखो ध्यान से देखो, नीचे ही होगा, वो ऊपर नहीं आया। वो फिर नीचे आ गए, बार बार ऊपर नीचे के चक्कर काट रहे थे, माता ने फिर उनको ऊपर भेज दिया। अब ऊपर गए तो उस समय राजा सिद्धार्थ ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा वर्धमान, कहीं बैठा होगा कोने में, ध्यान में बैठा होगा, उसकी आदत है, कहीं ना कहीं कोई कोना खाली देखता है वहीं ध्यान में बैठ जाता है। राजा ने अपना एक कर्मचारी भेजा और कहा, जाओ बच्चों के साथ जाओ,
प्रत्येक मंजिल में देखो, प्रत्येक कोने में देखो, प्रत्येक कमरे में देखो, कहीं ना कहीं ध्यान में बैठा तो मिल ही जाएगा। क्या था? ध्यान खेल है, ध्यान ही आनंद, आत्म ही चिंतन है, दूजे का नहीं अंतर का खुद करना अवलोकन है। ध्यान खेल है, ध्यान ही आनंद, आत्म ही चिंतन है, दूजे का नहीं अंतर का खुद करना अवलोकन है। ढूंढ ढूंढ कर साथी हार कहाँ छिपा है मान, माता ऊपर पिता कहे तुम नीचे कर लो छान। ढूंढ ढूंढ कर साथी हार कहाँ छिपा है मान, माता ऊपर पिता कहे तुम नीचे कर लो छान। अब तो बच्चे निराश हो गए, कहने लगे नहीं बताना तो ऐसे बोल दो, हमको ऊपर नीचे दौड़ाए जा रहे हैं, थक गए हम तो, पसीने पसीने हो गए, सांस चढ़ने लगे, लेकिन वर्धमान कहीं नहीं। सेवक गया साथ में, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल देखी, चौथी मंजिल पर आए। चौथी मंजिल में एक कोने में क्या देखा? वर्धमान ध्यानस्थ थे। बच्चों ने देखा, बच्चे तो शरारती हैं, उनकी जो बुद्धि जो समझ, नादान बच्चे। अब 5-6 वर्ष के वर्धमान थे तो उनके साथी कितने वर्ष के होंगे? कोई 6-7 वर्ष का होगा, कोई 8-9 वर्ष का होगा। सभी बच्चों ने वर्धमान को देखा, खुशी के मारे झूम उठे, वर्धमान मिल गए, वर्धमान मिल गए। तभी एक बच्चा कहने लगा, अरे शोर क्यों मचाते हो, चुप हो जाओ, देखा नहीं तुमने वर्धमान सो रहा है। दूसरा हंसी मजाक करते हुए कहने लगा, अरे देखना हमारा मान तो बैठे बैठे ही सो जाता है, लगता है इसको लेट के नींद नहीं आती, जब भी देखो बैठा बैठा सोता रहता है। तीसरा कहने लगा, बोलो मत, इसकी नींद खुल जाएगी। तभी वर्धमान ने देखा कि कुछ शोर हो रहा है, उन्होंने आंखें खोली, मुस्कुराए। सभी बच्चे वर्धमान को घेर लेते हैं और आकर कहने लगे, वर्धमान क्या तुम बैठे बैठे सो रहे थे, तुम रात को सोते नहीं हो क्या? मैं बैठे बैठे कब सो रहा था? अभी हमने देखा तुम आंख बंद करके सो रहे थे। नहीं, वो तो मैं ध्यान कर रहा था। ये ध्यान क्या होता है? आत्मा का चिंतन करना, अपने दोषों को देखना और अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र को देखना, अपनी छिपी हुई शक्तियों को देखना ही ज्ञान है। अच्छा वर्धमान, तुम्हारे माता पिता तो बहुत झूठ बोलते हैं, शिकायत की उन्होंने, तुम्हारे माता पिता तो बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ना मेरी माता झूठ बोलती ना मेरे पिता झूठ बोलते हैं। और क्या, हम पता है कितनी देर से तुमको ढूंढ रहे हैं, कभी ऊपर ढूंढते हैं कभी नीचे ढूंढते हैं, माता से पूछा माता कहती है वो ऊपर है, पिता से पूछो वो कहते हैं तुम नीचे हो, किसी ने भी ये नहीं बताया कि तुम यहां बैठे हो। बंधुओं, उस समय वर्धमान जानते हो क्या कहने लगे? मेरे माता पिता ने सत्य कहा। क्या कहा? सत्य कहा। उन्होंने तो कोई झूठ बोला ही नहीं। हां जी, सत्य कैसे कहा उन्होंने? कैसे कहा सत्य? बच्चे कहने लगे, हां हां, तुम तो अपने माता पिता का पक्ष लोगे ही, कहा सत्य कहा उन्होंने? देखो साथियों, मेरी माँ ने कहा मैं ऊपर हूं, तो मैं, मेरी माँ पहली मंजिल पर है और मैं चौथी मंजिल पर हूं, इसका मतलब मैं ऊपर हूं। मेरे पिता ने कहा मैं नीचे हूं, मेरे पिता सातवीं मंजिल पर है और मैं चौथी मंजिल पर हूं, इसका मतलब मैं नीचे हूं। माता के अनुसार मैं ऊपर हूं, पिता के अनुसार मैं नीचे हूं। दोनों ने झूठ नहीं बोला, दोनों ने ही सत्य बोला, तुम इस बात को समझो। साथी कहने लगे, अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो यही सोच रहे थे ऊपर यानी सातवीं मंजिल, नीचे यानी पहली मंजिल। कह रहे, नहीं साथियों, यही तो भूल है, तुम इस बात को समझो,
दोनों ने ही सत्य कहा। उस दृष्टिकोण से उसकी बात सही थी और उस दृष्टिकोण से उसकी बात सही थी। स्यादवाद और अनेकांत का बोध कराते हैं, हाँ बोध कराते हैं, प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं, प्रभु के उज्जवल हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। इस तरह भगवान महावीर स्वामी ने गृहस्थ अवस्था में छोटी उम्र में ही अपने साथियों को अनेकांतवाद का संदेश दिया। जहां ये अनेकांतवाद आ जाता है, बंधुओं में आपसे कह रही थी, वहां कलेश खत्म हो जाता है, वहां मन की धारणाएं, गलत धारणाएं टूट जाती हैं, वहां ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं। सुनो तो सही, सबकी सुनो, फिर उस निर्णय पर पहुंचो जो भगवान महावीर ने बताया। और ऐसा अनेकांतवादी सर्वदर्शी भगवान महावीर स्वामी थे, जिन्होंने जो सब कुछ देख रहे थे, सम्यक रूप से देख रहे थे और अनेक दृष्टिकोणों को एक दृष्टि से देखकर उन्होंने जनता में भव्य जीव आत्माओं को ज्ञान का उपदेश दिया, सत्य का मार्ग दिखाया, सच्चा मार्ग, मोक्ष मार्ग दिखाया। और जिन भव्य प्राणियों ने उस मोक्ष मार्ग का अनुसरण किया, वही भव्य प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी। अब श्री गुन्नी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चौदह से पूरी काहे एगार संगम सुतत धाराये सवे साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनिया, श्री गुरुनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। अभी आप प्रभु महावीर की मंगलमय वाणी आत्म कल्याण के लिए श्रवण कर रहे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम चिंतन करेंगे कि इस संसार में सब कुछ हमें पता होते हुए भी हम फिर भी गलतियां कर जाते हैं, कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य कर जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम चिंतन करेंगे, अगर कोई मकड़ी ने जाल बना रखा हो और उसमें कोई जीव उड़ता उड़ता आए और फंस जाए तो उसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। आपका मन कहेगा कि जब मालूम है कि यहाँ मकड़ी का जाल है तो फिर इस जीव को यहाँ फंसने की क्या जरूरत थी।
कोई जीव कीचड़ में फंस जाए, उसे देखकर मन कहेगा कि जब मालूम था यहाँ कीचड़ है, फिर भला तुम्हें कीचड़ में जाने की जरूरत क्या थी। सपेरा बीन बजाता है और एक काले विषधर को अपनी पिटारी में बंद कर लेता है। सलाह के रूप में आप सर्प को भी ये शिक्षा दोगे, तुम्हें मालूम था सपेरा बीन बजाएगा तो तुम्हें क्या जरूरत थी बिल में से बाहर आने की। यही तथ्य प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, नथी एरी सो पासो पड़ी बंदो अति सब जीवानंग सब लोए। हे भावे जीवात्माओं, जो ये परिग्रह है संसार के समस्त जीवों के लिए, ये बंधन स्वरूप है और उस परिग्रह में छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु प्रभु महावीर ने परिग्रह बताई। तत्वात सूत्र के अंदर कहा गया, मुच्छा परिगहो वुतो, जिस वस्तु से आपकी अटैचमेंट है, जिस वस्तु से आपका लगाव है, आपका प्यार है, जिसे आप अपने से दूर नहीं करना चाहते, संसार में वो सारी वस्तुएं परिग्रह हैं। और जिन वस्तुओं का आप परिग्रह कर रहे हो, वो परिग्रह की हुई कोई भी वस्तु आपके साथ जाने वाली नहीं है। ये बात सभी जानते हो, लेकिन ऐसा यहाँ कौन व्यक्ति ऐसा बुद्धिजीवी है जो ये कह सकता है कि महाराज मुझे अपने घर परिवार संसार में चाहे कितनी भी बढ़िया कितनी भी सुंदर वस्तु हो, मुझे उससे कोई अटैचमेंट नहीं। कोई बढ़िया वस्तु दिखे, वो हमारे काम की है अथवा नहीं है, उसके साथ की चार वस्तुएं घर में पहले जमा हैं, लेकिन हमें कोई अभिप्राय नहीं, बस वो वस्तु मुझे मिल जाए तो मुझे शांति है। अगर वो वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हुई, पड़ोसी को या अन्य किसी भाई को मित्र गण को प्राप्त हो गई, वही आपके लिए अशांति का कारण बन जाती है। एक सेठ था, उसका भरा पूरा परिवार धीरे धीरे बेटियों की शादी हो गई, जो बेटे थे बहुएं थी पोता पोती थे, सभी उस सेठ को छोड़ छोड़ कर घर से अलग हो रहे हैं। उसका कारण है, ये सेठ, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, बस एक ही उसकी कमी है, ना वो खाता है ना वो खाने देता है, ना स्वयं खर्च करता है ना दूसरों को खर्च करने देता है। उसका एक ही समीकरण है, जितना बचा सकते हो जितना जोड़ सकते हो जोड़ लो। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जिसने मेहनत नहीं की, उस व्यक्ति को लगता है आखिर ये कमाया हुआ धन कब काम आएगा, आज इसकी जरूरत है, आज तो इसे खर्च नहीं किया जा रहा तो आखिर ये कब काम आएगा। घर में बहुएं बेटे सब अलग हो गए, इतनी बड़ी हवेली में रह गया केवल मात्र एक सेठ। घर का काम अब उससे नहीं होता, रोटी के लिए भी मोहताज हो गया। एक दिन अनायास कोई ऐसा संयोग बना, एक कोई 9-10 साल का लड़का उसे दिखाई दिया और वो कहने लगा, बाबूजी मैं आपके यहाँ काम कर दूंगा, क्या आप मुझे रखोगे। सेठ ने सोचा छोटा बच्चा है,
आवश्यकताएं सीमित तो होंगी, तनख्वाह कम लगेगी, क्यों ना मैं इस बच्चे को रख लूं। बच्चे से पूछा क्या लोगे, बच्चे ने बड़ी सरलता से कहा जो आप दे दोगे। मैं ज्यादा पैसे देने वाला नहीं हूं, कोई बात नहीं, मुझे पैसे की जरूरत भी नहीं है। अच्छा खाओगे क्या, जो आप खिला दोगे, और पहनोगे क्या, क्योंकि तेरे पास ना तो कपड़े हैं ना तेरे पास कोई जरूरत का सामान है, तो तू क्या पहनेगा। साहब जो आप पहना दोगे वो पहन लूंगा, जो आप खाने को दे दोगे वो मैं खा लूंगा, जहां आप रखोगे वहां मैं रह लूंगा, मेरी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, बच्चा है हिसाब किताब आता नहीं होगा, मैं कभी कभी इसे थोड़ी सी जेब खर्ची दे दूंगा, खाने को रोटी दे दूंगा, जो बचेगी पुराना कोई वस्त्र पड़ा होगा वो देकर मेरा काम चल जाएगा, तनख्वाह भी देनी नहीं पड़े। सेठ देखता मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं फिर भी दुखी हूं, और इस बच्चे को मैं अपना बचा खुचा खाना देता हूं, ये बच्चा फिर भी प्रसन्न है। ना तो शर्ट इसके नाप की होती है, ना निकर इसके नाप की होती है, जो छोटा बड़ा जैसा खुला तंग कपड़ा मैं इसे दे देता हूं, ये कभी मेरे से प्रसन्न नहीं करता। एक ये बच्चा भी है, कितना खुश है। आज सेठ के यहां खाना नहीं बना क्योंकि सेठ की तबीयत खराब है। सेठ ने रसोई में से एक मुट्ठी चना लिया, भुना हुआ चना उस बालक की हाथ पर रख दिया और कहने लगा आज खाना नहीं बनेगा, तू अपने लिए क्या बनाएगा, ऐसे कर आज तू चने खाकर गुजारा कर ले। जी बाबू जी, बच्चे ने वो चने अपने हाथ में लिए, कुछ चने अपनी बुशर्ट की शर्ट की जेब में डाल दिए और दरवाजे पर खड़ा होकर खाने लगा। बच्चे ने देखा दरवाजे पर कुछ और बच्चे भी खड़े हैं, उन्हें भी भूख लगी होगी, इसलिए उस बालक ने अपनी पैंट में से कुछ चने के दाने निकाले और उन बालकों को बांटने आरंभ कर दिए। कमरे की खिड़की से ये नजारा सेठ देख रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कितना मूर्ख है ये लड़का, मैंने चने इसे खाने को दिए, क्या बाहर इसे लंगर लगाने को दिए थे। चने खाता पूरे दिन गुजारा हो जाता, अब चने इसने बांट दिए, थोड़ी देर में ये भूखा हो जाएगा। चने बांटकर वो बच्चा कूदता फांदता हुआ अंदर कमरे में आया। आज सेठ बड़ा निराश था, निराशा में कहने लगा तू कितना पागल है, चने मैंने तुझे खाने के लिए दिए और तू है कि चनों का लंगर लगा रहा था, कुछ अपने लिए भी सोच लिया कर, कुछ अपने लिए भी बचा लिया कर, जो मैं तेरे को जेब खर्च देता हूं उस जेब खर्च को बचाया कर। बच्चे ने पूछा फिर क्या होगा, होगा क्या, आज तू थोड़े से बचाएगा, कल और थोड़े से बचाएगा, जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे मैं तेरे बैंक में डाल दूंगा। फिर क्या होगा, होगा ये जब तेरे पास बैंक में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, फिर तू उस पैसे से एक छोटा सा मकान ले सकता है। फिर क्या होगा, जब तेरे पास तेरा अपना मकान होगा, तेरे पास खाने को पहनने को अच्छा होगा, फिर तेरा विवाह हो जाएगा, तेरे अपने बाल बच्चे हो जाएंगे और तू सुखी हो जाएगा। बच्चे ने कहा मैं तो सुखी आज भी हूं,
मेरे को तो आज भी कोई दुख नहीं है, लेकिन बाऊ जी आप अपना सोचो। देखो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास आपकी अपनी भी संतान नहीं है। तो अगर मेरी संतान हो जाएगी, मेरी अपनी पत्नी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? सेठ ने सोचा इसको समझाना अपने गले में पत्थर बांधना है। पागल है ये पागल। सेठ बीमार पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे वृद्धावस्था शरीर रोगों का घर बन रहा है। और एक दिन सेठ ने पैर दबाते हुए उस बालक से कहा, बेटा अब तो जिंदगी में सांझ आ गई, अब तो जीवन ढलने लगा, मैं तो बिल्कुल मौत के सिरहाने बैठा हूँ, ना जाने कब इस शरीर से प्राण निकल जाए। कहने को वो बालक था, लेकिन उस बालक को, उस सेवक को, उस नौकर को अंतर का ज्ञान था। वो बालक कहने लगा, बाबूजी जब आप जाओगे तो अपने साथ किसी बेटे को तो लेकर जाओगे, मैं भैया को फोन लगा दूं। सेठ कहने लगा, पागल वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो अच्छा मैं भाभी जी को कह दूं, जब आप जाओगे तो रास्ते में आपका खाना कौन बनाएगा? रास्ते में कोई खाना नहीं मिलता किसी को, और कोई अपने साथ खाना नहीं ले जा सकता। लेकिन बाऊजी जो ये पलंग है, ये पलंग तो लेकर जाओगे ना? अगर पलंग नहीं लेकर जाओगे तो सोओगे किस पर? बच्चा अपने साथ ये पलंग नहीं जाना, अपने साथ ये बिस्तर भी नहीं जाना। सेठ कहने लगा, मेरे साथ कुछ नहीं जाना। बालक हंसा, और उसने जब सेठ ने उसे एक बैंत दी थी कि मूर्ख जब तुझे अपने से बड़ा कोई मूर्ख मिले तो ये बैंत उसको दे देना। आज बालक को सेठ के द्वारा दी गई वो बैंत याद आई। पैर दबाता दबाता वो बालक उठा और जाकर अंदर से बैंत ले आया, और बैंत लाकर सेठ जी को पकड़ाई। कहने लगे, बाऊजी ये लो आपकी बैंत, क्या करूं इसका? कहने लगे, बाबूजी जब मैं आपके घर आया था आप मुझे समझाते थे, मुझे आपकी बात ठीक नहीं लगती थी, आपने मुझे ये बैंत दी थी और मुझे समझाते हुए कहा था, अरे मूर्ख मैं आज तुझे समझा रहा हूँ लेकिन तुझे मेरी बात नहीं लगती। तू धन का संग्रह नहीं करता, तू वस्तु का संग्रह नहीं करता, अगर तुझे अपने से ज्यादा कोई महामूर्ख मिल जाए तो ये बैत उसे दे देना। बाऊजी मुझे आज अपने से ज्यादा बड़ा मूर्ख महामूर्ख मुझे आज मिल गया। कौन? बाऊजी आप। लो ये आपकी दी हुई बैंत, अब आप खुद संभालो क्योंकि आप सबसे बड़े मूर्ख हो। जो बात आप मुझे समझा रहे थे कि सुखी होने के लिए वस्तुओं का संग्रह करना जरूरी है, धन का संग्रह करना जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ सुखी होने के लिए संतोष रूपी धन बहुत जरूरी है। आपने ये मकान जोड़ा, गाड़ी जोड़ी, बेटे जोड़े, बहू जोड़ी, पोता पोती जोड़े, सब कुछ जोड़ा, लेकिन आज चलने के समय पे आप ना बेटों को साथ ले जा सकते हो, ना किसी पुत्र वधू को साथ ले जा सकते हो, ना ये कोठी, ना ये बंगले, ना ये धन। परिजन जब कोई भी
आपके साथ जाने वाला नहीं, तो आपने भला ये किसके लिए जोड़ा? अगर इस जीवन में आपने मनुष्यता रूपी धन को जोड़ा होता, आपने मानवता को कमाया होता, आपने संतोष रूपी धन से अपनी आत्मा में सुख और चैन बढ़ाया होता, तो बाबूजी आपकी आत्मा सुखी हो जाती। आज मरने के समय पर आपको यूं कल्पना ना पड़ता, आपको यूं पश्चाताप ना करना पड़ता, आँखों से ये आंसू यूं ना बहाने पड़ते। हे भव्य जीवात्माओं, प्रभु महावीर हमारे को इसी क्षण से बचाने के लिए हमें उपदेश दे रहे हैं। नथी एरी सो पासो पड़े बंदो अथी सब जीवानंग सब लोए। इस संसार में परिग्रह एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में संसार के सभी जीव फंस रहे हैं, लेकिन जिसने परिग्रह को बंधन समझ लिया और बंधन को तोड़ दिया, वही भव्य जीवात्मा इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनती चली जाती है। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दे। श्री माया राम जी महाराज की एक सूचना और, आने वाली 17 अगस्त को पूज्य आचार्य सम्राट द्वितीय पटधर श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष में पूरे भारतवर्ष में 1,08,000 आयंबिल तपस्या करवाई जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पर भी कूपन आए हुए हैं। कुछ भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से कूपन लिए, जिन्होंने कूपन नहीं लिए हैं वो अपने अपने कूपन ले लें, और 17 अगस्त को आयंबिल यहीं करवाए जाएंगे और अगले दिन का पारना भी यहीं करवाने का भाव है, श्री संघ ने ऐसा कहा है। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, और इसी के साथ यह भी कहना चाहूँगी, आयंबिल करवाना भी उत्तम है, पारना करवाना भी उत्तम है। यदि किसी भी भाई बहन को इसका लाभ भी लेना हो कि मेरी तरफ से आयंबिल करवाई जाए या मेरी तरफ से पारना करवाया जाए, तो इससे बढ़िया उत्तम बात तो कोई हो ही नहीं सकती। यदि किसी का ऐसा मनोभाव बनता हो कि समाज को तो कराना ही कराना है, लेकिन यदि कोई इसका लाभ स्वयं लेना चाहता हो, तो ये सोचो जितने लोग तपस्या करेंगे उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो यदि कोई ये लाभ लेना चाहता हो तो वो प्रधान या मंत्री से इस विषय में बात कर सकता है। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की, आचार्य सम्राट प्रथम पटधर गुरुदेव श्री आत्मा राम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, कदर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की, जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की, संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज, उप प्रवर्तनी श्रम नि गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की, श्री जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जिन जिन बच्चों का कार्यक्रम है वो रुक के जाए, आज की प्रैक्टिस है। जटारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धमो मंगलम, चटारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धमो लोगुत्तमा, चटारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारे शरण दुख में जगत में